अहमदाबाद का शमी आपसे बहुत गहरा नाता है, गुजरात टाइटन्स टीम में आप हैं, आपकी टीम 2022 में आईपीएल जीती, 2023 में आप फाइनल्स तक पहुंचे थे, इस बार टीम में नए कैप्टन हैं शुभमन गिल, आपकी यू नो उनकी कैप्टनसी और आपकी टीम इस तरह का किस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है अब इस बार अंडर द न्यू कैप्टन? देखिए जहाँ तक नई टीम के साथ सवाल होता है, सबसे पहले साल जब ये लोग आए तो सब ने यही बोला था नई टीम है, मुझे लगता है यहाँ भी आधे लोगों ने तो यही कहा होगा, सारे बॉलर इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन उस टीम ने जो चेंजेस दिखाए आपको, जो आपके दिमाग को, जो आपके दिमाग से खेली वो टीम, वो चैम्पियन होकर रुके, चैम्पियन हुई। अगले साल सेम टीम थी, सेम फाइनल गए हम, जब फाइनल वो लक में शायद नहीं था बट आप विनर बोल सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं आपके हम्बल बिगनिंग्स की। आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं, काफ़ी मुश्किलें झेलकर मेहनत करके आप आज विश्व के स्तर पे इतने अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं। क्रिकेट से प्रेम कब और कैसे हुआ? नहीं ये पता नहीं चला, ये खुश गया अचानक से क्योंकि तो किसने बोला कि अब यही? जब मैं छोटा था तो भाई लोग खेलते थे तो सैटरडे संडे घर आने के लिए मिलता था क्योंकि फैमिली वैसे माहौल भी वैसा ही था, वहाँ पे विलेज था, लाइक जो पुराने कल्चर हैं वैसा था। वो शौक अचानक से पता नहीं कहाँ से सैटरडे संडे में ही आ गया अंदर जी, क्योंकि भाई लोग खेलते थे तो बस देखता था मैं, ज़्यादातर कोशिश यही करता कि धूप में ना जाऊँ क्योंकि धूप में ना जाऊँ। अच्छा बट शौक वो होता ना ब्लड में एक चीज़ होती है, बिल्कुल। फिर वो पता नहीं चला कि हाँ कैसे क्या हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आपको शुरुआत में काफ़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा, कोचेस का ना मिलना या टीम में देरी से सिलेक्शन हो, आपको ऐसा लगता है कि टैलेंट होने के बावजूद सिस्टम कहीं ना कहीं निराश कर देता है? देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको चैलेंज देंगी लाइफ में, क्योंकि आप जब आपके पास टैलेंट होता है, आपको पता है टैलेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको चैलेंज करेंगी लाइफ में। तो नहीं लगता कि आपके अगर लक, आपकी मेहनत और आपका लक अगर आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा। तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप अपने आप को अपने गेम से लॉयल होकर आपने अपना मेहनत करते रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे लक को कोई मेरे लक से छीन सकता है। यू नो आपके अंतर्राष्ट्रीय करियर की अब बात करते हैं, शुरुआत काफ़ी धमाकेदार थी, 9 विकेट्स पहले ही टेस्ट मैच में, फिर आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था। क्या एक अच्छी शुरुआत में ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, पर दूसरी तरफ क्या वो दबाव भी डालती है उस परफॉर्मेंस को मेंटेन या और अच्छा करने के लिए, और आप परफॉर्मेंस प्रेशर से कैसे डील करते हैं? शुरुआत के लिए देखिए हर किसी को ज़रूरत होती है कि अच्छी शुरुआत करे, ना कि स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, लाइफ में, एक अच्छी शुरुआत की हर आदमी उम्मीद करता है, तो वो उम्मीद तो हमेशा से हर इंसान को होती है। लेकिन जहाँ तक एक परफॉर्म करने का सवाल है तो आपको देखिए अगर आप चेंज नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी परफॉर्म चेंज होगी। आप अगर हमेशा सेम रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको परफॉर्म निकल कर आएगी हमेशा से। शमी आप मुझसे यहाँ पे बात कर रहे हैं पर मैं जानती हूँ कि आपका मन राजकोट में है जहाँ इंडियन टीम अभी खेल रही है और चोट लगने के कारण आप अभी नहीं खेल पा रहे हैं। हम आपको कब वापस मैदान में देखेंगे और कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी को चोट लगने के कारण बाहर बैठना और टीम खेल रही है? देखिए मुश्किल तो यार काफ़ी होता है क्योंकि दिमाग में आती हैं चीज़ें, क्योंकि जब आप 24/7 जब गेम की बातें करते हो, जब गेम में रहते हो आप दिन रात, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको रुकना ऐसे लगता है कि हाँ बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इस चीज़ को अगर आपने मेंटली थोड़ा सा अपने ऊपर चढ़ने दिया तो आप ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये पार्ट ऑफ द गेम मानकर, लाइफ का पार्ट मानकर या अपने स्पोर्ट्स की एक पार्ट मानकर आप कर सकते हैं इस चीज़ को कम्प्लीट, क्योंकि जितना कम सोचोगे इस बारे में उतना अच्छा है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो आता जाता रहा हूँ, मेरा तो रिश्ता है चोट से, तो फास्ट बॉलर बना हुआ तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा।